माध्यम से हम लोगों ने अपनी ये जन अधिकार पदयात्रा शुरू की है। उसका आज सातवां दिन है। 26 तारीख से पदयात्रा शुरू हुई, 25 को हम लोगों की रैली थी और अब हम लोग धीरे धीरे मऊ जनपद की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जहां हम लोग रुके थे कल मोहम्मदाबाद, उस जगह पर एक सभा भी हुई बुनकरों के बीच में आम आदमी पार्टी की, और हर पीड़ित वर्ग, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, युवा हो, शिक्षा मित्र हो, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करने वाले हमारे अटेवा संगठन के लोग हों, ये लोग रास्ते में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, ये लोग मिल रहे हैं, इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। साथियों, धीरे धीरे गर्मी हो, बारिश हो, सबका सामना करते हुए हमारे साथी इस पद यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे अपील करूंगा, आज सातवां दिन है, 7 तारीख को बलिया में सभा होनी है, उसके पहले जो भी अपना समय बचा है उसमें आप पूरी यात्रा में नहीं चल सकते, 20 किलोमीटर चलिए, 25 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर चलिए, इस आंदोलन रूपी यज्ञ में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं दीजिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, युवा शक्ति से, सीवाईएसएस से, महिला शक्ति से, किसान विंग से, सबसे मेरा अनुरोध है कि आइए, अभी यात्रा बाकी है, इस यात्रा में शामिल होकर, इस आंदोलन रूपी यज्ञ में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।